मारते हैं, और हर बार जब जब बारिश हुई है तो कोई ना कोई बड़ा एक हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। लेकिन कानपुर में उसके बाद भी प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। जब जब इमारतें होने के बाद भी बारिश हो रही है, यानी कि लोगों को एक अलर्ट किया जाए कि आप लोग यहाँ से हट के कहीं और जाइए या उनके और की व्यवस्था करवाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने मिल रहा है। आप घाटमपुर देख लीजिए, चौबेपुर ले बिल्लौर देख लीजिए, बिदनू देख लीजिए, 48 घंटे के कम से कम अभी तक 6 से 7 मकान गिर चुके हैं जिसमें कम से 10 लोग घायल हैं, जो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ हाथ काट के बैठा है। कल की बात करें, कल नगर आयुक्त राउंड पे थे, उन्होंने यहाँ अधिकारियों को आदेश दिया कि जल भराव को तत्काल निकाला जाए, लेकिन अभी तक देखा जाए कोई भी ऐसा कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया, ना कोई कर्मचारी ऐसा है जो पानी की निकासी के लिए कुछ कर सके। सिर्फ जो हाल है यहाँ के बेहाल हुए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ यहाँ पे ढालू पुल पड़ता है जो जूही नहरिया को मिलाता हुआ आता है, यहाँ पे करोड़ों रुपए का एक भाजपा क्लब से एक वाटर प्लांट बनाया गया था, जिससे कि कहा गया था कि यहाँ का जितना पानी को निकल जाएगा, वो करोड़ों रुपए का जो वाटर प्लांट लगाया गया था वो चस्त पस पड़ा है। पानी वैसे वैसे भरा है, पानी लोगों के ऊपर तक जाता है, इसलिए वो पूरी रास्ता ब्लॉक कर दी गई है। शहर को वो रास्ता जोड़ता है, वो रास्ता दक्षिण से लेकर शहर को जोड़ता हुआ आता है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जिला प्रशासन ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो पानी वहां निकाला जाता है। 48 घंटे बीच जाने के बाद भी पानी वैसे वैसे भरा हुआ है। तो 48 घंटे बीच जाने के बाद भी पानी भरा हुआ है, 6 से 7 मकान जिसे कह सकते हैं वो ढह गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, जिसके बारे में साफ तौर पे मधुर ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त हमें दे रहे हैं, जमीनी जानकारी जमीनी सूरत हाल बता रहे हैं हमारे तमाम संवाददाता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सीधे इस वक्त दानिश नियाजी खां की तरफ रुख कर रहे हैं जो बदायूं से हमारे साथ है। दानिश, आपके पास ताजा जानकारी क्या है, बारिश से बदायूं की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरह से लोग बेहाल हैं, और प्रशासन क्या बदायूं में भी आंख बूंदे बैठा हुआ है? जी आरुष, बिल्कुल मैं बता दूं, अभी ये 3 दिन से जिस तरीके से झमाझम जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है पिछले 3 दिनों में, देखा जाए तो किसानों का भी काफी अच्छा नुकसान हो रहा है। और अगर हम शहर की बात करें, शहर में जलभराव भी इतना हो गया है कि वहां पर गाड़ियां खराब भी हो रही हैं, और दुपहिया वाहन के से जो बाइक से जो सवार होता है वो गड्ढे में गिर भी जाता है। आपके लिए मैं ये भी बता दूं, जिस तरीके से धान की फसल और ये बाजरा और तिल जैसी जो फसलों का जो किसानों को नुकसान हो रहा है, देखा जाए तो जिला प्रशासन बिल्कुल अपनी आंखें मूंदे हुए बैठा है। देखा जाए तो जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया ये किसानों के लेके ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम किसानों के लिए ये करेंगे कि हर एक किस्म की ये सहायता ये मुनासिब करेंगे, लेकिन देखा जाए तो जिला प्रशासन अभी भी किसानों की तरफ से आंख मूंदे हुए बैठा हुआ है, और ना ही तो ये किसानों के लिए कोई भी ये राहत ये दे पा रहा है। अगर हम बात कर लें ये शहर की, जिस तरीके से शहरों में जगह जगह ये पानी भरा हुआ है, और देखा जाए तो कहीं कहीं पे ये मकान ढहने की भी ये बात ये सामने निकल कर आ रही है, लेकिन देखा जाए तो ये जिला प्रशासन बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं दे रहा, ना ही तो किसानों की ये समस्याओं को लेकर ये ध्यान दे पा रहा है, और ना ही तो ये बरसात के लिए लेकर, और ना ही ये रोड गड्ढा मुक्त, ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो चलाया है बिल्कुल भी ये गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश जनपद बदायूं नहीं होता हुआ नजर आया जी। तो साफ तौर पर किसान परेशान है बदायूं में, जिसके बारे में दानिश साफ तौर पर बता रहे हैं। अमेठी से हमारे संवाददाता गोपाल बर्नवाल है, रमेश कौशिक हमारे संवाददाता आजमगढ़ से भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, मैं आऊंगा आपके पास। गोपाल बर्नवाल, अमेठी की क्या तस्वीर है, अमेठी का सूरत हाल क्या है, बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश के बाद यहाँ बारिश तो थम गई, लेकिन यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। जैसे एक अंडरब्रिज का आपने वीडियो देखा है जिसमें बच्चे गाड़ियां नहीं पार हो रही हैं बल्कि बच्चे उसमें तैर रहे हैं। ये आए दिन ऐसा मामला सामने आता रहता है, यहाँ जब भी बारिश होती है इस अंडरब्रिज के नीचे पानी हमेशा भर जाता है, लेकिन प्रशासनिक अमला कहता है कि रेलवे का मामला है, तो यहाँ पे ये मामला उलझा हुआ इसलिए है क्योंकि रेलवे और राजस्व इसको कोई डिसाइड नहीं कर पाता है कि इसकी निकासी की व्यवस्था कौन करेगा। तो आपने सुना साफ तौर पे गोपाल बर्नवाल को, जहां पर वो भी बता रहे हैं, और ये तस्वीर कोई अमेठी की नहीं है, ये कानपुर की भी तस्वीर है, ये लखनऊ की भी तस्वीर है, ये बदायूं की तस्वीर है, जहां पर सिस्टम फेल हो गया है, जहां पर सिस्टम आंख मूंदे बैठा हुआ है, लोगों के सामानात डूब गए हैं, लोगों की जिंदगियां डूब गई हैं, लेकिन प्रशासन चुप बैठा हुआ है, तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है। कौशिक हमारे साथ, रमेश कौशिक हमारे संवाददाता आजमगढ़ से हमारे साथ हैं। रमेश, आपके पास क्या जानकारी है? जी, आजमगढ़ भौगोलिक रूप से 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, यहाँ तमसा नदी बहती है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए काफी संवेदनशील शहर है। जब भी पानी बरसता है, काफी बरसात होती है, तो ये शहर पूरा डूब जाता है,
बाढ़ की स्थिति आ जाती है। अब की बार जो तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसमें प्रशासन के वो दावे जो एक महीना पहले से प्रशासन चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि अब की बार सभी नालों की सफाई हो गई है, जितने भी जल निकासी पॉइंट है उन्हें अच्छी तरह से साफ करा दिया गया है, ये सारे दावों की पोल खुल गई और फिर एक बार शहर डूब गया, गलियां डूब गई, शहर के जो और ग्रामीण क्षेत्र कस्बों में भी पानी भर गया, पूरी तरह से बद इंतजामी की यहाँ देखा जा सकता है कि आजमगढ़ कहने के लिए तो बहुत ही, यहाँ मुख्यमंत्री की योजना लागू की जा रही है, उनकी निगाहें भी रहती है, लेकिन जल निकासी के मामले में पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है प्रशासन। हालांकि नगर पालिका की तरफ से अब दावे किए जा रहे हैं कि पानी निकालने के लिए वो जगह जगह पंप लगाए हैं और पंप सेट के माध्यम से पानी बाहर ले जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से शहर डूब चुका है। तीन दिनों की बारिश ने पोल खोल दी है, लगभग 35 की संख्या में जो हमारे विद्युत उपकेंद्र हैं वो डूबे हैं, इसलिए विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है। लगभग 12 घंटे से शहर में बिजली नहीं है, लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं बिजली को लेकर के। और आपको बता दें कि जो शहर की गलियां हैं वो पानी से भरी हुई हैं, जहां तक नदियों में पानी जाना था तो नदियों के जाने पानी के जो रास्ते हैं वो अतिक्रमण हो चुके हैं, उस पर लोगों ने अपना मकान बना लिया है, काफी लोगों ने उसे पाट दिया है, इसकी वजह से भी पानी जाना बंद हो गया है। ये शासन की अनदेखी है और प्रशासन अगर ये समय रहते चाहता तो आज ये स्थिति और ये नौबत नहीं आती, तो आजमगढ़ प्रशासन संवेदन शून्य बना था, जिसकी वजह से आज पूरी जलमग्न स्थिति बनी हुई है। बड़ी बात और बड़ी जानकारी रमेश कौशिक ने दी कि जो विद्युत स्टेशन है वो पानी में डूब चुके हैं, 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बिजली नहीं लोगों के घरों तक पहुंची है, जिसकी वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है और ये तस्वीर तमाम जगहों की है और हमारे संवाददाता आम जनता की इस वक्त आवाजें बन रहे हैं। मोहम्मद सफी, राजधानी लखनऊ में वो कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा, जिसे कह सकते हैं, ग्रसित हैं, बारिश का कहर सबसे ज्यादा उन पर है, और वहां आप गए, लोगों से आपने बात की, मोहम्मद सफी उन्होंने क्या कुछ कहा, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप बताएं, क्योंकि प्रशासन सुन नहीं रहा है, लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप उनकी आवाज बने और बताएं जब आपने उनसे बात करी और क्या तस्वीर आपने देखी और उन्होंने क्या कहा आपसे। देखिए आरिफ, जिसके लाखों रुपए के सामान खराब हो चुके हो पानी में, वो जिस तरीके से बात कर रहा है कहीं ना कहीं तकलीफ होती है सुनकर, क्योंकि अगर बात करें हम लखनऊ की तो लखनऊ ये राजधानी कही जाती है और राजधानी का ये हाल है कि घरों के अंदर 4-4 फीट पानी भर गया और 20-20 घंटों से लाइट नहीं आई है, ना विद्युत सही हो पा रही है, ना विद्युत की आपूर्ति कर पा रहे, ना ही जो नगर निगम का काम है वो कर पा रहे। अगर बात करें हम जगह की तो फैजुल्लागंज हो, पुराना लखनऊ हो, और सबसे वीआईपी क्षेत्र की हम लखनऊ की बात करते हैं, माल एवेन्यू की, जहां पर सबसे ज्यादा पानी भरा था वो तालाब बन गया था, वो पुल नहीं बल्कि तालाब नजर आ रहा था, और वहां पर 250 मकानों के अंदर 4-5 फीट पानी भरा था, जहां पर स्कूल भी है बच्चों का और जहां पर मकान भी बने हुए, उससे ठीक पीछे प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस का और सारे मंत्रियों के आवास भी उसी के ठीक पीछे है, माल एवेन्यू के। तो जिस तरीके से ये तस्वीर है, मोहम्मद सफी आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास, ये तस्वीर है और हमारे संवाददाता जो सूरत हाल इस वक्त जमीनी हकीकत आपको बता रहे हैं उसको समझने की जरूरत है और सिस्टम की एक तस्वीर जो सामने रखी जा रही है उसको भी समझने की जरूरत है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारिश की मार और यह सिस्टम पूरी तरह से बेहाल है, या यूं कहे चरमरा चुका है। सिस्टम ने आंखें मूंद ली है, सिस्टम कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है। क्योंकि अगर तैयारियां शायद पहले से की जाती तो ये तस्वीर शायद हमारे संवाददाता इस वक्त हमें बता नहीं रहे होते। मधुर के पास चलते हैं। मधुर, जो तस्वीर आपने कानपुर की बताई, जिस तरह से लोग बारिश का कहर लोगों पर है, लोग परेशान हो रहे हैं, कौन से इलाके हैं कानपुर में जो बारिश के पानी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, और आपने लोगों से जब बात करी तो उनका क्या कुछ कहना था, खासकर प्रशासन को लेकर क्या कुछ कहना था? जी बिल्कुल, यदि हम बात करें भराव की, तो सबसे बड़ा एक जूही का ढालू पुल पड़ता है, वो सबसे बड़ा भराव का क्षेत्र है, और दूसरा साकेत नगर पड़ता है। सबसे बड़ी बात कानपुर में जिसको बीआईपी इलाका बोलते हैं, बीआईपी रूट बोलते हैं, वो जो सिविल लाइन जिसको बोला जाता है, वहाँ पे जल भराव है। कानपुर कई ऐसे क्षेत्र है, जैसे कि आपका नवस्था गल्ला मंडी, हंसपुरम, बर्रा का गुजैनी, गोबिनगर, दबौली, ये एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पूरे पूरे घर डूब चुके हैं, क्योंकि बगल से वहाँ से नाला गया हुआ है। सबसे बड़ी बात हर इस चीज़ में ये देखने लिए होती है, क्योंकि अपने जो नगर आयुक्त हैं, वो जब बरसात होती है तब वो घर से बाहर निकलते हैं अपने, और अपने होटल से, मतलब अपने जो कार्यालय से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद वे आदेश करते हैं कि बाहर निकलने के बाद ये नाले, ये पानी कैसे भरा है, पानी भरना चाहिए, क्यों नहीं भरना चाहिए, कैसे क्या, वो इतने आदेश दे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जब बरसात, सबको मालूम है कि मौसम जब आने वाला है बरसात, तो उससे पहले नगर आयुक्त यदि बाहर निकल के चौराहों का और नालों निरीक्षण करें, तो हो सकता है कि जल भराव हो, जल भराव ना हो। सबसे पहले कि कानपुर में 10 नाले, इतने बड़े नाले हैं, जिनका यदि सफाई वैसे समय से कर दी जाए, तो हो सकता है कि जल भराव ना हो। जैसे कि हम बात करें अपने सीसमो नाले की बात करें, हम यदि परमपुरवा नाले की बात करें, हम सिविल नाले बात करें, बर्रा नाले की, जिनकी सफाई कर दी जाए। सबसे बड़ी बात है, सफाई जो भी होती है वो बरसात के समय होती है। जो मलबा निकाला जाता है, मलबा फिर पानी के साथ उसके अंदर चला जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी इमारतें हैं, जितनी इमारतें जिनको इतने साफ आदेश, ऊपर से जब भी कोई कांड होता है, मौतें होती हैं पानी के कारण, जो भी होता है, ये कहा जाता है कि आप इसको चिन्हित करके जितनी इमारतें कानपुर में है जज्जर, उनसे लोगों को निकाल के कहीं अच्छी जगह शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन सिर्फ ये कागजी लिखा पड़ी होती है, कुछ नहीं होता, फिर एक कांड होता है, फिर एक कागजी लिखा पड़ी होती है, सिर्फ कागजी लिखा पड़ी करके सिर्फ ऊपर आदेश दिया जाता है, और बाकी सिर्फ खाना पूर्ति होती है। जी, तो आपने सुना बदुर मोहन ने कहा नगर आयुक्त तो सो चुके हैं, नगर निगम के अधिकारी सो गए हैं, इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीर कानपुर की है, जो भयावह तस्वीर है। अगर इन नालों की सफाई कर ली जाए तो शायद शहर की स्थिति ये ना बनती, लेकिन वारे अधिकारी अगर ये काम ही कर लें तो तस्वीरें बिल्कुल बदल ना जाए। हमारे साथ रमेश कौशिक है। रमेश, अधिकारियों से आपकी बात हुई, जो तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले बताई, क्या जवाब मिला वहां से? जी बिल्कुल, अधिकारियों से बात हुई, नगर निगम के ईओ विकास कुमार ने बताया कि मैंने जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी कार्य हैं, उसको किया जा रहा है, जैसे पंप सेट लगा करके निचले इलाकों के पानी को निकाला जा रहा है। तो इस तरह के जरूरी वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके इस आज के करने से पूरी तरह से ये स्थिति से निजात नहीं मिल पाएगा। जबकि कई ऐसे शहर हैं, जैसे आरटीओ में परानापुर है, वहाँ जो पानी लगा हुआ है वो काफी दिनों से लगा हुआ है, और बरसात जब हुई तो वो सड़कें डूब गई, और जिससे लोगों के घरों में पानी चला गया। और सबसे खास बात आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में अब तक 2 मौत हो चुकी है कच्चे मकान गिरने से, उसमें दब के 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रशासन इस पर भी अगर नहीं चेता तो आगे भी बड़ी घटनाएं होंगी, जिसका जिम्मेदार सीधे तौर पर प्रशासन को माना जाएगा, क्योंकि समय रहते इसका बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से जगह जगह जलभराव बना हुआ है, सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं। हालांकि गड्ढे मुक्त करने का एक अभियान चला। ये तस्वीर जिसके बारे में साफ तौर पर रमेश कौशिक बता रहे हैं, तो तस्वीर आपने देखी, कानपुर हो, बदायूं हो, आजमगढ़ हो, तमाम जगहों पर एक ही तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद सफी, मधुर मोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश, आपका शुक्रिया। गोपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिस्टम बेहाल है, बारिश का कहर चारों तरफ है। अगर ये सिस्टम पहले से जाग जाए तो सूबा बोलेगा में हमें इस तरह का प्रोग्राम दिखाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन इस वक्त लोग बेहाल हैं, और लोग इस वक्त प्रशासन की तरफ, सरकारों की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, तो शायद हमारी कोई मदद को आ जाए। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं, इतना ही बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।